हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ जय बाबा की। तो आज हम अपने व्लॉग में आपको ले चल रहे हैं केसा कॉलोनी के पशुपतनाथ मंदिर में, जहां पर आए हुए हैं बाबा केदारनाथ। तो उनसे मिलने हम लोग भी जा रहे हैं। कानपुर वालों की तो वैसे भी भक्ति कुछ अलग है। उत्तराखंड से सीधे कानपुर में लेके आए हैं हम लोग बाबा केदारनाथ को। देखिए, हम उनके दरबार के पास पहुँच चुके हैं। अब हम पहुँच रहे हैं कि कहाँ से इसके अंदर पहुँचना है। ये देखिए, लाइन में कुछ सब्सक्राइबर्स भी हमारे मिल गए थे। इतनी लंबी लाइन लगी थी, 2 से 2.5 घंटे में हम लोगों को दर्शन मिल पाए। लाइन में लगे हुए आप लोग देख सकते हैं, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि पूरे कानपुर से ही लोग बाबा केदारनाथ से मिलने आ रहे थे। तो लाइन में लगे लगे हम लोग पहुँच गए थे दरबार के पास। तो जय बाबा के जयकारे लग रहे थे, बम बम बोल रहा है काशी, ये बज रहा था भजन। बहुत ही प्यारा दरबार सजा हुआ था, फील बिल्कुल केदारनाथ वाला ही आ रहा था। उतनी दूर जो भी ना पहुंच पाए, यहाँ तो पूरे कानपुर को ही जिसने भी ये सोचा, बहुत ही प्यारे से नंदी बाबा को सजाया गया था। ये देखिए, मंदिर के प्रवेश द्वार पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा था। और वैसे भी बचपन से हम पशुपतनाथ बाबा तो जाते ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले बचपन में रहते थे केसा कॉलोनी। केसा कॉलोनी तो मेरी वैसे भी जन्मभूमि है। तो फिर लाइन में लगने के साथ साथ हमें पंचमुखी बाबा हनुमान जी के भी दर्शन हुए, मारुति नंदन के। और फिर लाइन को धीमे धीमे बढ़ते हुए जा रहे थे, अभी बाबा अमरनाथ भी मिलेंगे। और काफ़ी भव्यता छाई हुई थी मंदिर में, क्योंकि बाबा स्वयं के आए हुए थे उत्तराखंड से कानपुर में। तो ये देखिए, बाबा का बर्फ का श्रृंगार किया गया था, और श्रृंगार के साथ साथ ये बाबा के प्रवेश द्वार गुफा का बनाया गया। ये गुफा के अंदर हमने प्रवेश लिया है। गुफा के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, बट मैंने फिर भी थोड़ी सी क्लिप बना ली आप लोगों के लिए। ये बाबा शिव के दर्शन कीजिए दरबार लगाया गया था। यहीं से भैया ने कहा कि फ़ोन बंद कर दो, बर्फ़ की सीढ़ियाँ लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही भक्तिभाव आ मन में। ये माता रानी के भी दर्शन किए हम लोगों ने, अब बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ये दरबार के बाहर हो रही थी आरती। हमें आरती के समय दर्शन मिले, फिर प्रसाद में मिला हमें पेठा। और पेठा खा करके हम सीधे निकले दरबार केसा कॉलोनी मैदान में। ये वहाँ के आसपास में जो मंदिर है, जैसे शनिदेव, बाबा शाही, मनोकामना, ये मेला जानावर का मेला लगता है, उस मैदान में मेला लगा हुआ था। काफ़ी बच्चों के झूले, आइसक्रीम्स, खिलौने, सभी चीज़ें। लेकिन रात काफ़ी हो रही थी, 2-2.5 घंटे, तो हम लोगों ने मेले को थोड़ा ही सा एंजॉय किया। मेरी फ्रेंड मोनी थी, ये हमने बाबा के हाथ जोड़े। फिर वहाँ से मेले से निकलने के बाद भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो ये मैंने थोड़ा सा एक रोल लिया और रोल को एंजॉय किया, खाया। फिर इसके बाद मेले से कुछ तो ले चले थे, ये मैंने बेकरी फूड से, एक अच्छी सी दुकान थी, वहाँ से मैंने लिया। तो फिर आज का व्लॉग यहीं होल्ड होता है। बाबा के दर्शन करने के बाद खुशी कुछ और ही थी। तो जय बाबा की।